फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने मोबाइल में जियो का सिम यूज़ करते हो और जियो 5G इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हो, वो भी अनलिमिटेड फ्री में, तो इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं, उसके थ्रू आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हो। सेटिंग को आप एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना होगा, वीडियो ज़रा सा भी इसकी मत कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजिली आप अपने मोबाइल में जियो 5G को एक्टिवेट कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक जरूर करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, चलते वीडियो करते स्टार्ट। अब आपको अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना। जैसे आप अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करते हो, देन यहां पर आपको सर्च बार में क्लिक करना और यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा माई जियो। जैसे आप माई जियो सर्च करते हो तो यहां पर आपको माई जियो ऐप को यहां पर इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा, फिर यहां से आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हो देन यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। माई जियो ऐप के थ्रू ही दोस्तों आप अपने मोबाइल में 5G इंटरनेट दोस्तों एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि 5G दोस्तों अनलिमिटेड डेटा को यूज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं अपने मोबाइल में 5G डेटा को अनलिमिटेड यूज करता हूं, देन यहां पर जैसे आप माई जियो ऐप पर क्लिक करते हो, यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलता है मोबाइल प्रीपेड, यहां पर आपको अपना नंबर देखने को मिलता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो। यानी कि दोस्तों यहां से मैं अपने मोबाइल पर 5G एक्टिवेट करने के बाद अनलिमिटेड डेटा यूज करता हूं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसके लिए दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए यहां पर आपको मोबाइल प्रीपेड के आगे एक ये एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर आपको एरो देखने को मिलेगा, देन इस पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहां पर आपको दोस्तों कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, जियो ट्रू 5G, यहां पर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा 5G कवरेज चेक, देन इस पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देन यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट योर स्टेट, देन इस पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो यहां से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैं यहां से अपने स्टेट को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद फिर यहां पर आपको अपनी सिटी को सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज यहां से आपको कट कर देना होगा अगर आपको नहीं देखने को मिलता है। जैसे मैं यहां पर दोस्तों मेरा सिटी तो देखने को मिल जाता है, मैं यहां से दोस्तों कट कर देता हूं। कट कर देना दोस्तों, यहां से आपको बैक करना होगा। बैक करने के बाद यहां से आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा और यहां पर आपको कांग्रेचुलेशन देखने को मिलेगा। फिर यहां पर इसमें आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देन इस पर आप क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ समय लिए वेट करना होगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहां पर जियो ट्रू 5G अनलिमिटेड 5G डेटा नो एडिशनल कॉस्ट, यानी कि बिना कॉस्ट के आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहां पर दो ऑप्शन तो इनेबल हो चुके हैं, जियो वेलफेयर ऑफर और हैंडसेट 5G कैपेबिलिटी। देन यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इज योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन, यहां पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट नाउ। अगर आपको दोस्तों हैंडसेट यहां पर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं है तो यहां पर आपको अपडेट कर लेना। अगर आपका अपडेट है तो आई हैव अपडेटेड देखने को मिलेगा, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन यहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट यू आर 5G रेडी, यानी कि आप 5G के लिए रेडी हो। देन यहां पर आपको एक्सप्लोर ट्रू 5G पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, कांग्रेट्स यू आर अपग्रेडेड टू द 5G लाइफ, यानी कि अब आप 5G एक्टिवेट कर चुके हो। देन यहां से आपको बैक करना होगा। बैक करने के बाद यहां पर आपको ऊपर आना होगा। ऊपर आने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा 5G ट्रायल अनलिमिटेड, तो यहां पर आपको चेक यूजर्स पर क्लिक करना। जैसे आप चेक यूजर्स पर क्लिक करते हो, यहां पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहां से आपको इसे अलाउ कर देना होगा। अलाउ कर दे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहां पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेस नहीं करना होगा। यहां पर दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बताया हूं, इस सेटिंग को आपको इनेबल कर लेना होगा और यहां पर आप अपने 5G को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया हूं, यहां पर आपको कुछ भी आप एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं। यहां पर आप दोस्तों अनलिमिटेड डेटा 5G एक्टिवेट यानी कि यूज कर सकते हो एक्टिवेट करके। तो इसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी फोन हो, यानी कि आपके पास कोई भी मोबाइल हो, उसमें आप 5G एक्टिवेट कर सकते हो इसी तरह से। तो दोस्तों आप उसमें आप 5G अनलिमिटेड डेटा एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर आपके पास 5G हैंडसेट है तो ये कंडीशन आप उसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 4G हुआ तो उसमें आप इसे नहीं एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि आप 5G नेटवर्क यानी कि आप 5G को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आपका जो नेट स्पीड है वो कितना चला। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहां पर 5G एक्टिवेट हो चुका है। देन यहां से आपको बैक करना होगा। बैक करने के बाद अब मैं यहां पर स्पीड टेस्ट पर क्लिक करता हूं और यहां पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करते हो देन ये दोस्तों आपको कनेक्टिंग करेगा। कनेक्टिंग करने के बाद जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, इसका जो दोस्तों स्पीड है कितना हाई फाई यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा।
जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो 214 Mbps, यानी कि दोस्तों इस तरह से आपको डाउनलोडिंग ये स्पीड और अपलोडिंग स्पीड वो यहाँ पर देखने को मिल रही है 6.54, इस तरह से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने 5G मोबाइल में दोस्तों इसे आप यूज़ करके एक्टिवेट करके 5G को आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना।